ससुराल में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, एक पल भी बैठने नहीं मिल रहा। तो हम लोग ये घर देखने आए हैं। मैं अम्मी की फेवरेट कसूरी मेथी तो जीना, ये तो वाइट एंगल है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यस यस, फाइनली मैं यहाँ कैमरे के सामने खड़ी हो गई हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं रमज़ान के बाद से बिल्कुल रेगुलर तो छोड़ो, मैंने वीडियो ही नहीं डाला। वो हियर एंड देयर एक दो वीडियो जा रहे थे और एक ही व्लॉग गया, उसके बाद मैं उसके बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ हैपनिंग इन माई लाइफ। तो उसकी वजह से मैं कुछ भी इस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ। लाइक ऑफिस में भी बहुत काम था, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी। यू नो, ये सब मैं बाद में आपको थोड़ा आराम से बताऊंगी। बट आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि आप वीडियो डालो, एंड समवन इज लाइक कि तो फिर आपने पहले इतनी मेहनत किया ही क्यों अगर आपको नहीं डालना था। तो दैट वर्ड यहाँ चिपक गया, यहाँ दिल है ना, तो यहाँ चिपक गया था। मतलब मैं दो दिन तक के वही सोची थी, यार मैंने सही में इतनी मेहनत तो किया है, इतने साल मेहनत किया है, तो फिर मैंने रिकॉर्ड करना चाहिए, व्लॉग डालना चाहिए। एंड दो तीन लोग थे जो बोल रहे थे वी आर वेटिंग फॉर योर व्लॉग, एंड आई वाज लाइक यार मैं तो कुछ डालती ही नहीं हूँ, मेरे लाइफ में तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं। बट आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज व्लॉग करूँ, जो भी है एटलीस्ट स्टार्ट करूँ। अब इतने दिनों के बाद में मैं कैमरा ले रही हूँ ना हाथ में, तो हो सकता है कि मैं प्रॉपर बोल ना पाऊँ। और अभी मुझे यहाँ पे ना मैंने क्या किया, बाइट खुद का ही क्या बोलते हैं, खुद का ही चमड़ा बाइट कर लिया यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एंड हाँ, तो मैं बोल नहीं पाऊँगी मे बी ठीक से, तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है। बट अंदर का जो ब्लॉगर है वो तो निकल ही जाएगा, उसका कुछ है नहीं। तो अभी आज है संडे और मेरा जो चेहरा इतना सूजा हुआ है क्योंकि ऑफकोर्स लेट हो गया ना उठने को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी, बहुत कुछ हुआ ना अभी कुछ दिनों में तो मैं बताऊँगी। बट फिलहाल अभी मैं हाउस हंटिंग करने जा रही हूँ, तो वो सब है, अब बाकी का आप आगे देख लो। स्टार्ट करते हैं। हाय साहब, मैं तो थक गई, मेरा सिर दुख रहा है धूप की वजह से। बहुत धूप है, हमने इतने सारे घर देखे पर कुछ भी पसंद नहीं आया। अभी हम प्लॉट देखने जा रहे हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो हम लोग ये घर देखने आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का ये घर है। यहाँ से ऊपर जीना, ये तो वाइट एंगल है, दिस इज द मेन एंगल। ऊपर धूप, सिर चकरा रहा बहुत ज्यादा। Later that same evening. Okay guys, look at my face. इतनी थक गई हूँ मैं, मतलब सुबह से लेके 10:30-11 बजे से हम निकले हैं एंड हम लोग कंटिन्यू घर और प्लॉट, मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो हमने तीन ब्रोकर से बात किया ना, तीनों के तीनों हमको इतने सारे घर दिखाए पर पसंद सिर्फ एक या दो ही आया, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड राइट नाउ मैं इतनी टैन इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना बह गया उसमें। यस, के यहाँ पे हूँ एंड हम लोग बना रहे हैं बिरयानी। एंड मैंने सोचा कि अम्मी के हाथ की बिरयानी की रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। 3 किलो था ना? हाँ, क्योंकि नमक के हिसाब से 3 किलो में तीन मुट्ठी। अच्छा, अम्मी की फेवरेट कसूरी मेथी मसाला, हाँ। ये डालते हमारे घर वाले, ये है एवरेस्ट शाही बिरयानी मसाला और ये पूरा मैं नहीं डालती ना, इसलिए तो मेरी बिरयानी हो जाती होंगी बिरयानी के जाने वो। हाँ, तो मैं भट्टी के बाजू में बैठी हूँ, बना मैं नहीं रही हूँ, बना तो अम्मी रहे हैं। और खाना क्योंकि अभी अभी खा ली हूँ तो मेरा पेट पूरा फुल हो गया है। तो मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही हूँ और ये बिरयानी है, ये तल रही हूँ मैं और मैं ना सुबह से बस काम ही कर रही हूँ और ये भी मुझे ही काम करने दे दिया है। Oh, no! तो काम
हो गया ना, मैं पूरी थक गई, इतना काम करा ही। हाँ अम्मी, खारा लगेगा? क्या खारा लगेगा? पानी अगर, हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा नमक हो गया उसमें। पहले खा लिया था? नहीं, खारी तो नहीं है, उनको तेज लग रही, तुमको खारी लग रही, मेरे को कुछ फिक्का पान चट लगा। हाँ, सो मैं ये बोल रही थी कि मैंने ना इतना भी काम कर लिया है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। वो यू नो, तुम लोगों को तो पता ही होगा, ससुराल में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, एक पल भी बैठने नहीं मिलता। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नाउ आई जस्ट केम बैक फ्रॉम होम और नहा कर आई हूँ मैं, इतनी पसीना पसीना हो गई थी। और आई वॉज किडिंग दैट टाइम, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं जस्ट, आप ही लोगों ने देखा भाई, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा पकड़ के बैठी थी, जो वन ऐसा। और अभी क्या कर क्या रहे पर अपन, इसमें सब हो गया ना, आलचा का मतलब ये दाल है एंड माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी बनी। वेलकम बैक अगेन। मैंने कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया एंड आई डिडंट शेयर एनीथिंग। और मैं बोली कि मैं सुबह जब मैंने रिकॉर्ड किया था इंट्रो में, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी बाद में, बट कुछ बात ही नहीं हुआ। फिर हम लोग 5 बजे तक तो हम लोग घर के लिए ब्रोकर्स, हमने 3 ब्रोकर को बता के रखा था, तो 3 ब्रोकर्स के साथ में हम अलग अलग घर प्लॉट वगैरह देख रहे थे। एंड उसके बाद में बहुत ज़्यादा थक गए थे। यू नो, समटाइम ऐसा होता है कि मेहनत के काम से ज़्यादा घूमना या फिर इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी थक जाती है। तो फिर हम लोग जब वापस आया, फिर उसके बाद में रियाज के यहाँ पे खाना था और फिर हम लोग उसके प्रिपरेशन में लग गए। कि कल हमने देखे और घर कुछ भी पसंद नहीं आया, बात भी नहीं हुई हमारी, मतलब कैमरे पर ज़्यादा बात नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना थक गए थे और मेरी तो हालत ही नहीं थी। और फिर ना मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो फिर जब मैंने खाना खा लिया वहाँ पे, थी मतलब मेरा पेट इतना भर गया था। और फिर बिरयानी भी बस मैंने थोड़ा सा ही खाया, पर बिरयानी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। ये बकरी ईद है आज, मैंने बताया शायद से पहले। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज न्यू ड्रेस पहनूँ, और मैंने अभी अभी एक्चुअली 3 ड्रेस लिए थे ऐसे ही घर वगैरह पहनने के लिए, थोड़ा ये हवा जाने के लिए कपड़े नहीं थे तो मैंने लिए थे, तो वो है, पर उसको फिटिंग करवानी है। मतलब मेरे हाथ इतने दुख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरी आदत छूट गई है कैमरा पकड़ने की, अलग क्या रहा है, सच में छूट गई, तो बहुत हाथ दुख रहे हैं। आज बहुत कुछ काम है, वो आंटी की तरफ कपड़े भी देने हैं, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हैं फिटिंग करवाने के, तो वो देना है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो मैं वो भी दे दूँगी। मेरे नानी का कानों का जो है मशीन का सेल भी लेकर आना है, तो वो भी देना है। और मेरा जो चशू है, मेरा चशू महाराज, वो रियाज के घर गुम हो गए हैं, तो मुझे वो भी ढूंढने वापस जाना है, क्योंकि मैं बहुत ढूंढी, सबने भी ढूंढने पर कहीं नहीं मिला, तो वो भी देखना है। तो मैंने ये लड्डू पीला कलर खरीदा था और ये, हाँ बाकी सब ठीक है, परफेक्ट फिटिंग हो गई, जबकि मैंने जब लिया था तब ये बहुत ढीला था, और इसको धोने के बाद ये हो गया मेरे साइज़ का। बस ना इसके जो कट्स हैं वो थोड़े से नीचे हैं, तो आई थिंक कट्स को थोड़ा ऊपर करवाने के लिए अल्टर करवाना ही पड़ेगा। मैं क्या पहनूँ आज, मैंने सोचा था कि आज मैं नया ड्रेस पहनूँगी, पर तो मैं ये नहीं पहनने वाली थी, क्योंकि ये काफ़ी इसका कट नीचे बहुत ज़्यादा नीचे है, जिसकी वजह से ना टमी एरिया भी बहुत ज़्यादा दिखता है। पर मेरे पास कुछ और है नहीं, मैंने एक और एक लिया था वैसे, ये वाला ड्रेस जो है ना, ये वाला लिया था, ये भी बहुत प्यारा है, पर ये तो बहुत ज़्यादा ढीला है। और ये जो है, ये मेरा ईदी जोड़ा था, है मतलब, तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है जो मेरे ईदी जोड़े पे आया है, और ये अम्मी और मेरी दोनों की चॉइस है, तो बहुत प्यारा पर्पल। और देखो ये ईदी जोड़ा भी मेरा पर्पल ही है, इस बार ईद में भी मैंने पर्पल ही पहना था, एंड पता नहीं हर कुछ पर्पल ही पसंद आ रहा है, और ये कलर मुझ पर बहुत ज़्यादा फब भी रहा है, तो आई गेस ये पहनना चाहिए। इसकी चुन्नी ना थोड़ी मुझे ऑफ लग रही है, पर ठीक है, सिंपल सा कुछ पहन लिया। और अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल मेरी नानी के कानों की मशीन का सेल लेने, क्योंकि उनके पास एक ही सेल बचा है, और अगर अभी नहीं लिया तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, एंड फिर वो सुन नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और फिर उसके बाद में ये भी ड्रेस निकाल कर मुझे फिटिंग को देना है, मेरी बहुत इच्छा थी ये ड्रेस पहनने की, इसलिए मैंने फाइनली पहन लिया। एंड लुक एट दिस, कितना प्यारा, ये कलर मुझे लेने की बहुत इच्छा थी, देखो मतलब आप देख सकते हो ना, इसीलिए मेरी इच्छा थी पहनने की, इसलिए मैं पहन रही हूँ। बाय बाय। एफ एच पी एन एस डी, हाँ ये एक्स डी, वो आगे के ना एफ
अभी कंफर्टेबल है, ठीक है, अभी दोनों आंखों से देख रहे हैं कैसा एन एच जेड जेड ओके। अभी फिर से ऊपर से अभी कितना दिख रहा है एफ एच पी ओके। अभी एफ एच पी एन एफ यू टी ए जेड एक्स मैंने मम्मी के लिए लेकर आया है ये पोछा, क्योंकि मम्मी का पोछा ना पूरा टूट गया था कल। कल मैं और मम्मी बस बात ही कर रहे थे कि मम्मी ये वाला पोछा लेकर आना है एंड व्हाट, तुरंत बात कर रहे हैं हम और ये टूट गया। तो मम्मी के लिए मैंने तुरंत फटाफट से लेकर आ गई हूँ और मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सिंपल है, इसको इसमें डालो। नहीं एक दिन आड़े चलती है। क्या पोछा क्या हा? पोछा नहीं रे, पोछा नहीं, ये लिक्विड। हाँ अभी पता है इसमें डालो और ये जो है ना ये निकालना है हाथ से, यहाँ पे करते वक्त है ना, बस हो गया थोड़ा सा, ठीक है। गाइस राइट नाउ आई एम एट ऑफिस एंड व्हाट वी मेड, लेमन वाटर। यस सो वी मेड लेमन वाटर एंड इसने मुझे पूरा का पूरा रेसिपी बताया है। क्या क्या है एक्चुअली हम लोग अभी पी रहे थे एंड बहुत टाइम हो गया है, काव्या मेरे वीडियो में आई नहीं है, सो आई थॉट वापस एक बार लेकर आते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या डाला है? सो पहले 1 spoon water, 2 spoon, we put 2 glass of water, then we add some sugar. How much sugar in 1 glass of water? I told you 4 we put 4 for 2 glass of water. For 1 how much? 1 2 yes, for 1 glass of water we put 2 spoon sugar. For 2 glass of water we put 4. Yes, but we add pinch of salt. Yes, that is mandatory because it enhances the taste of lemon water. ऐसे नींद नींद सा भी लग रहा था और ऐसा एनर्जी लो लग रहा था। दो मैंने तो अंडे खाए हैं पर ना पता नहीं मज़ा नहीं आया और बहुत अलग सा ही लग रहा था और वो अंडे का ना मुझे बहुत ज़्यादा बर्ब भी आ रहा था। सो अब शायद फॉर मी एग इन ब्रेकफास्ट इज बिग नो फॉर मी, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं नहीं खा सकती। एंड व्हाट अबाउट यू? मैंने सवेरे खाई थी गाड़ी में पूरी। ओके चलो फिर हम मिलते हैं बाद में, बाय बाय। अदे ओ माय गॉड ये कितने बड़ा हो गया, देखो बड़ा हो गया है या हो गई है पता नहीं, पर अभी किट्टू के ये छोटे छोटे जो बच्चे पैदा हुए थे ये अभी बड़े हो गए हैं, दो तो मर गए ये है और एक बच्चा था, पर अभी हम लोग इनको फोर्सफुली नहीं रखते, मतलब फोर्सफुली मतलब इनिशियल डेज पे हमने रखा था थोड़ा सा कि बिल्ला वगैरह खा ना ले, फिर भी दो बच्चे बिल्ले ने मार दिया। देखो कितना मस्त मस्ती करते, देख 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 बच्चे बिल्ले ने खा लिया मीन्स वही मार दिया। तो यार वो ना बच्चे अभी भी मेरे आँखों में नज़रों में उनका चेहरा आता है, मतलब बहुत क्यूट थे और जुड़वा टाइप के थे वो। खैर तो ये दो बच्चे बचे हैं। स्पेशल डेज पे मैंने बहुत जतन से रखा था, मतलब हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जतन से रखा था, कुछ 7 घर बिल्लियाँ चेंज करती है, बच्चे लेके जाती है 7 घर ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं। तो हमने इसको लेके जाने ही नहीं दिया, ये यही कि यही चेंज करती थी, मतलब यहाँ से दीदी का रूम दीदी के रूम से हमारे 2-3
जगह पे इसको हम रखते थे सो दैट वो बिल्ला ना देखे एंड लुक. हमने तब नहीं रखा था. फिर जब ये चलने लग गए, कूदने लग गए, दौड़ने लग गए, भागने लग गए, तब हमने इनको बोला कि ठीक है बा, अब तुम जाओ, मतलब अब तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो. क्योंकि हम इनको जैसे क्या बोलते हैं, दड़बे में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि जैसे हमारी किट्टू है ये बाहर जाती है, आती है, वापस आती है, तो ये मतलब अपनी इच्छा से आती है और अपनी इच्छा से जाती है, तो वैसे हम बच्चों को भी नहीं रखना चाहते थे. मेरी ये ख्वाहिश बहुत थी कि मैं इनको कहीं अच्छे घर में दे दूँ किसी के, और बहुत लोगों ने मांगा भी, दो लोगों ने तो मांग ही लिया था, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी बच्चे छोटे हैं तो नहीं देती हूँ. और फिर मुझे पता भी नहीं है जिन लोगों ने मांगा है वो कैसे है. एक पता था तो उनको तो एक दिया था पहले, पर ये पता नहीं कैसे है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं बच्चे यही रहेंगे, आते जाते रहेंगे. तो आज बहुत दिनों के बाद वापस आया है ना, मेरे एकदम दिल खुश हो गया. फिर भी एक बच्चा नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ छोड़कर आ जाती है ये. इसका नाम लालू है और भूरू भी है, मतलब मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी लालू बोलती हूँ कभी भूरू बोलती हूँ. कल बोला था ना कि एक नहीं आया है, अब ये भी आ गया है. बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा ही. लालू या भूरू नाम रखा है इसका, और दूसरा वाला जो है ये है कालू. पर देखो मैंने इनको ज़बरदस्ती घर पे नहीं रखा, तो ये लोग खुद जाते हैं, खुद आते हैं. और अगर हम अगर ज़बरदस्ती रखते ना तो नहीं आते ये लोग. नजदीक से देखो आप लोग, दूर दूर से क्यों देखते. ये देखो कितना बड़ा हो गया है. पहले आई गेस आप लोगों ने इसको छोटे ब्लॉग वगैरह में देखा होगा. मुझे याद भी नहीं है कि ये लोग छोटे थे तब मैंने इसका वीडियो लिया भी था कि नहीं, बट मैंने इनकी स्टोरीज वगैरह डाला था इंस्टा पे. एंड लुक एट हिम. अब मुझे हिम है या हर है ये भी नहीं पता, बट कालू कालू. ओ माय गॉड, इसकी आंखें देखो. ये है हमारा मम्मी, इसका नाम भूरू रखे कि लालू रखे, मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ. इसका नाम लालू है पर मैं इसको भूरू ही बोलती हूँ. एंड ये रहा हमारा कालू. और ना बहुत मस्ती करते ये दोनों, बहुत ज़्यादा. और जब ये लोग बहुत छोटे थे ना, एकदम बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आई गेस, बट मैंने स्टोरीज वगैरह डाला है. लुक एट देम या ये इतने दिनों के बाद आए ना, बहुत खुशी हो रही है. नेली भाई ये पहनने के बाद ऐसा लगता है कि नज़रें वापस आ गई है. और ये मैंने दो लिए हैं. मेरा हमेशा सेम ही फ्रेम होता है, ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होता है, क्योंकि कुछ कुछ बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े. छोटे तो नहीं लगते, सब बड़े ही लगते हैं. तो ये थोड़ा बेसिक बड़ा था तो मैंने ये वाला फाइनलाइज किया. और कल बोलते 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 पता नहीं मैं कौन से जोन में चली गई और मैं भूल गई आपको ये दिखाना, या फिर मैं शायद कुछ काम कर रही होगी. तो ये है अब बहुत क्लियर, सब कुछ बहुत साफ सुथरा दिख रहा है. और मैंने उनको बोला कि मुझे एक चश्मा तो आप तुरंत ही दे दो, तो ये वाला तो उन्होंने तुरंत दे दिया. और बाकी के सबके, रियाज के दो चश्मे, मम्मी का एक चश्मा, मेरा एक और एक चश्मा आज मैं लेकर आऊँगी. और वो थोड़ा अलग फ्रेम है, और मैंने इतने पूरे मेरी ज़िंदगी में वैसा कभी फ्रेम नहीं लिया, मतलब आप लोगों के लिए कॉमन है पर मेरे लिए मैंने नहीं लिया था कभी. तो वो वाला भी एक फ्रेम ट्राई किया है इस बार. अच्छा तो वो दिख रहा है क्या, ये बताओ. कुछ भी नहीं, एक भी शब्द नहीं, एक भी नहीं. हाँ अब बताओ पहन के कैसी फीलिंग है चश्मे के साथ. अच्छी अच्छी है. अच्छी है ना. हाँ ये वाला रियाज का है, इसी मैंने थोड़ा ट्राई किया है. ये चश्मे लगाने के बाद में ज्यादा अंधे हो जाती है ना, कुछ कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं दिखता. और ये मेरे साथ हुआ है जब मैं पहले मेरा सिर्फ वो वाला था, कंप्यूटर वाला जो बोलते ना, वो वाला ही चश्मा था, तो मुझे सब दिखता था. और फिर पता नहीं मेरे को आदत हो गई तो मेरा नंबर भी बढ़ गया चश्मे का, और दिखता तो कुछ नहीं है.